The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So what is cancer? Cancer kya hai? See, cancer kahin bhi ho sakta hai, koi bhi body mein ho sakta hai, koi bhi part mein ho sakta hai. कैंसर एक ऐसी वो सेल्स हैं आपके बॉडी के जो बॉडी का कोई भी एक पार्ट, कोई भी एक टिश्यू जब बहुत ज़्यादा रेट पे ग्रो करने लग जाता है, राइट, ग्रो ज़्यादा करने लग जाता है और उसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होता आपकी बॉडी के लिए, तो वो कैंसर है, राइट. सो वेरी फास्ट ग्रोइंग सेल्स आर कैंसर्स और ये आपकी बॉडी को जहाँ पर ये बनेंगे, जहाँ पर भी ये कैंसर होगा, उस जगह को सही तरीके से काम करने से रोकेंगे. दूसरी बात, कैंसर का बेसिक क्या है इम्पोर्टेंट, कि कैंसर मतलब ये नहीं है कि वो कोई अलग तरीके का सड़े गले बैक्टीरिया वायरस है, नहीं, ये आप ही के नॉर्मल सेल है. जैसे एक स्किन के ऊपर जो स्किन टैग आता है वो भी एक तरीके का ट्यूमर है, वो भी एक तरीके का कैंसर है. आपके और मेरे सबके शरीर में लगातार कैंसर बनते रहते हैं, राइट. जी हाँ, ट्यूमर, कैंसर, जो बेसिकली म्यूटेशंस, ये सब होते रहते हैं हमारी बॉडी में, लेकिन हमारी बॉडी को पता है कि उनको कैसे मैनेज करना है, उनको कैसे लिमिट करना है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रॉय करना है या रोक लेना है. सो कैंसर एक एबनॉर्मल सेल्स का ग्रोथ है एबनॉर्मल रेट पे, जिसके वजह से दिक्कत होती है. और कैंसर ऐसे सेल्स नहीं हैं जो फॉरेन सेल्स हैं, जैसे कोई फॉरेन पॉपुलेशन आपके अंदर ग्रो कर रही है कोई बैक्टीरिया, ऐसा कुछ नहीं. ये दोनों चीज हो सकती है, नॉर्मल सेल्स हो सकते हैं, आप ही के नॉर्मल सेल्स इधर उधर उधर इधर आ रहे हैं, राइट. और नॉर्मल सेल्स इधर उधर आ रहे हैं जो बहुत सारे मात्रा में ग्रो कर रहे हैं. और ये भी हो सकता है कि क्योंकि कैंसर का ग्रोथ बहुत फास्ट होता है तो उतना रॉ मटेरियल, उतना न्यूट्रिशन उसको नहीं मिल पाता कि वो फुल्ली मैच्योर सेल्स बनाए, तो कई बार इमेच्योर सेल्स मिल जाते हैं, कई बार इमेच्योर सेल्स आ जाते हैं उस कैंसर के अंदर. ब्लड कैंसर में खासकर यह होता है कि ब्लड के सेल्स जो बन रहे हैं घपाघप इमेच्योर सेल्स बन रहे हैं. कई बार इमेच्योर सेल्स ब्लड का जो काम करना चाहिए वो कर लेते हैं, कई बार नहीं करते. सो कैंसर इज दिस. और कैंसर में प्रॉब्लम कैंसर के वजह से नहीं आती, कैंसर में प्रॉब्लम आती है जब कैंसर उस एरिया को भर देता है. मान लो आपके लंग्स में कैंसर हो गया, लंग्स का काम है सांस लेना, अगर लंग में कैंसर होते जा रहा है तो वो एक जगह खाते जा रहा है, वो जगह पे बढ़ते जा रहे एक तरीके का सेल, वो लंग का सेल हो सकता है, वो बाहर किसी और का सेल म्यूटे वहाँ जाके दूसरे तरीके के सेल्स बन सकते हैं, जैसे स्किन का सेल लंग के अंदर आ, जी हाँ ऐसा भी होता है. तो अब वहाँ पर क्या होगा, वो जगह खा जाएगा तो लंग का फंक्शन थोड़ा कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जगह खा जाएगा तो और कम हो जाएगा. सो ये एक डेंजरस प्रोसेस है जो आगे चल के जान ले सकता है, बढ़ सकता है, फैल सकता है, ब्लड में जाके दूसरे सेल, दूसरे एरियाज में, बोन में, ब्रेन में, कई जगहों पे, लिवर, किडनी, सब जगह पे कैंसर फैल सकता है. सो इसीलिए कैंसर डेंजरस है. सो कैंसर को आइडेंटिफाई करना, समय पे पकड़ना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट. और यही पॉइंट है कि कैंसर कैन बी ट्रीटेड वेरी वेल, इट कैन बी ट्रीटेड फॉर मेनी पीपल, इनफैक्ट ज़्यादातर बोल सकते हैं मोर पीपल देन एवर बिफोर जिनको कैंसर था वो पूरी की पूरी अपनी लाइफ जी रहे हैं नॉर्मल कैंसर ट्रीटमेंट से. हाँ जी जनाब, बिल्कुल. सो चिंता छोड़ दो, ऑल यू नीड इज प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स. कैंसर का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इज इम्पॉर्टेंट, राइट. सो कैंसर के बेसिस हम समझना चाहेंगे कि भाई क्या है, क्या नहीं है, क्या क्या टाइप्स हैं कैंसर के. कैंसर के बहुत सारे टाइप्स हैं और ये एक बीमारी नहीं है, एक बीमारी नहीं है कैंसर. जैसे मैंने कहा, लंग्स में चालू हो सकता है, फीमेल के ब्रेस्ट में चालू हो सकता है, इंटेस्टाइन के आंत के कोलोन नीचे साइड में चालू हो सकता है, आपके ब्लड में चालू हो सकता है और हर प्रकार सेल में चालू हो सकता है, स्किन में चालू हो सकता है, ब्रेन में चालू हो सकता है, इवन हार्ट में भी ट्यूमर होते हैं, जी हाँ. और कैंसर्स होते हैं, ज़्यादातर कैंसर्स कुछ मामले में एक तरह के होते हैं, कुछ मामले मतलब के ग्रोथ रेट ज़्यादा है, मेटाबॉलिज्म फास्ट है, तो उनको उस बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जा सकता है. यही आइडेंटिफिकेशन पॉइंट होता है आपका पेट सीटी स्कैन जो करता है,
वो उन सेल्स को आइडेंटिफाई करता है जिनका ग्रोथ रेट कुछ ज्यादा ही ज्यादा है, बहुत तेज ज्यादा है। वो जहां जहां ग्रोथ रेट ज्यादा है वहां वहां कैंसर फैल चुका है, राइट। सो और कैंसर अलग अलग प्रकार के कैंसर अलग अलग वेज में डिफरेंट भी है। जैसे एक सेफ कैंसर होते हैं जो आपके बिनाइन कैंसर, बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, वो नहीं फैलते, वो आपको नहीं मारते, वो सब में होते हैं, एवरीबडी हैज दैट। कुछ लोगों में कम, कुछ में ज्यादा होते हैं, और इवन मेलिग्नेंट कैंसर भी कई लोगों में होते हैं। कैसे कैंसर के सेल एक तरीके के हैं? सर, सेल्स इन आर बॉडी के हर सेल का एक जॉब है, राइट। नॉर्मल सेल्स एक ऑर्डरली फैशन में डिवाइड करते हैं, जब उनको डिवाइड होने का सिग्नल मिलता है, एक से दो होते हैं, और जब वो काम हो जाता है, वर्नआउट हो जाते हैं, डाई, वो अपने आप मर जाते हैं डैमेज होके, और फिर नए सेल उनकी प्लेस ले लेते हैं। उसी तरह स्किन के सेल्स हर 28 दिन में बदल जाते हैं, पूरी बॉडी के बाल 6 महीने में बदल जाते हैं, ऐसा कुछ कुछ होता है। कैंसर तब होता है जब सेल्स इस ग्रोथ रेट, इस ग्रोथ कंट्रोल के बाहर निकल जाए, राइट। कैंसर सेल्स ग्रो होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं, कोई लेना देने नहीं उनको, बगल वाला क्या कर रहा है, पड़ोस वाला क्या कर रहा है। सेल्फिश सेल होते हैं, बहुत ही सेल्फिश, सेल्फिश कैंसर, और उनको बस अपने लिए खाना चाहिए। वो नॉर्मल सेल्स को धक्का मार देंगे, क्राउड कर देंगे एरिया को, और इस वजह से उस नॉर्मल सेल्स वाले पार्ट्स काम नहीं कर पाते। सो इस वजह से कैंसर्स विल कॉज प्रॉब्लम इन दैट पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर द कैंसर इज स्टार्टेड, पहला पॉइंट। फिर कैंसर कैन स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑल्सो, कैंसर वहां से फैल सकता है, यानी कि लालची भी है, कैंसर लालची भी है, उसको और भी चाहिए, है ना। तो कैंसर जैसे लंग में हुआ, वो फिर बोन में जा सकता है, फिर वो वहां ग्रो करेगा, फिर वहां पे वो जगह फैला लेगा, है कि नहीं। वो बेसिकली एक पॉलिटिशियन है कि नहीं, उसको ये भी एरिया चाहिए, उसको ये भी एरिया चाहिए, फिर उसको पूरा हिंदुस्तान चाहिए, है कि नहीं। पॉलिटिशियन, कैंसर इज अ पॉलिटिशियन, है कि नहीं। फिर इसी को फिर हम कहते हैं, जितना तेज कैंसर उतना उसका मेटास्टेसिस, उतना वो मेलिग्नेंट, उतना ज्यादा तेज से आपको मार सकता है। जब आपका कैंसर लंग से निकल के बोन में चला गया, वो बोन में मिलेगा तो भी वो लंग कैंसर ही है, वो लंग कैंसर ही है बोन के अंदर। इस तरह आपको एक टिश्यू में दूसरे टाइप के सेल्स मिल सकते हैं फैल जाने से, राइट। इट्स नॉट कॉल्ड बोन कैंसर, राइट, अनलेस एंड अंटिल वो बोन में शुरू हुआ हो। बोन में शुरू हुआ तो बोन कैंसर, वरना वो बोन में आ गया बाहर से तो लंग कैंसर था। अब कैंसर इस तरह से सेम होते हैं, इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। डिफरेंट कैसे होते हैं कैंसर? कुछ कैंसर्स के ग्रोथ और स्पीड रेट बहुत फास्ट होती है, और कुछ बहुत स्लो काम करते हैं प्यार से, राइट। कुछ ट्रीटमेंट पे रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ ट्रीटमेंट से कोई उनको फर्क नहीं पड़ता। कुछ कैंसर जो होते हैं बड़ी आसानी से ऑपरेशन से ठीक हो जाते हैं, कुछ बड़े आसानी से कीमोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं। मतलब कुछ रिस्पॉन्ड ज्यादा कीमोथेरेपी को करते हैं, कुछ रिस्पॉन्ड ज्यादा ऑपरेशन, जी हाँ ऐसा है। और ज्यादातर बेस्ट रिजल्ट के लिए एक से ज्यादा मॉडेलिटी, यानी रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, सर्जरी, ऐसी चीजें में से एक से ज्यादा चीजें लेनी पड़ती है। सो इस बेसिक के आगे साथ आगे बढ़िए, इस बेसिक नॉलेज को फैलाइए, बताइए लोगों को, राइट। बहुत कुछ उल्टा सीधा सुनने को मिलेगा आपको कि इससे कैंसर हो रहा है, नहीं उससे कैंसर हो रहा है, इससे कैंसर ठीक हो जाएगा, ये पी लो वो पी लो, राइट। इट्स नॉट अबाउट दिस, इट्स अबाउट द बेसिक। सच्चाई पे ध्यान दो, बकवास तो बहुत है दुनिया में, बकवास सुननी है तो बहुत जगह मिल जाएगी, ठीक है। जो सच्चाई है, जो समझने वाली बात है वो ये, ठीक है दोस्तों। अगर कोई सवाल है तो पूछिए, आंसर मिलेगा। कोशिश हमारी यही रहती है कि पहले 10-12 लोगों के आंसर्स दे दें, बहुत सारे सवाल आते हैं तो आंसर नहीं दे पाते। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।